राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पे जोरदार हमला बोला है। रांची में उन्होंने प्रधानमंत्री पे देश के प्रजातंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में एक शख्स को छोड़ सब डरे हुए हैं। देश के गृह मंत्री भी डरे हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी के सभी सांसद डरे हुए हैं। देश में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस लड़ाई को बेदाग और निडर आदमी ही लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वे इस पे नहीं जाते कि कौन उम्मीदवार है, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे वो अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट डाले। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रांची में अपने प्रचार अभियान का समापन किया। जामताड़ा में स्कूल के नाम बदले जाने और छुट्टी के दिन बदले जाने को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समय में स्कूलों में रविवार को छुट्टी मिलते थे, लेकिन अब शुक्रवार को मिले तो क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अपने आदेश को वापस ले, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी के समय उन स्कूलों में शुक्रवार को हो रहा था छुट्टी, इसलिए बच्चों को पढ़ने दिया जाना चाहिए। जोनल जज अनुभा रावत चौधरी एक दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंची। सदर प्रखंड के खरवागढ़ा गांव में ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उन्हें मिल रही सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जाना। कई ग्रामीणों ने सड़क सिंचाई सुविधा, स्कूल सुविधा समेत कई अन्य मांगे रखी। जोनल जज ने जिले के उपायुक्त आर रोनिटा से इनकी समस्याओं का समाधान करने की बात की। जोनल जज ने अपने पारा वॉलंटियर से गाँव के एक व्यक्ति तक जाकर समस्याओं को जानने को कहा। कार्यक्रम में ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। जोनल जज ने कहा कि खरवागढ़ा को गांव बनाना है जो कि एक मिसाल बनेगा। बोकारो में बारिश के दिनों में वज्रपात का खतरा बना रहता है। जिले के 1560 सरकारी स्कूलों में 920 सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक नहीं है। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अभियंताओं से रिपोर्ट मांगने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए तड़ित चालक का होना भी जरूरी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलैंड टोप्पो ने बताया कि तड़ित चालित स्कूल में बने इसके लिए प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बोकारो पुलिस ने लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी गुलाम हुसैन को हिरासत में लिया है। मोहम्मद शफी इमाम ने बताया कि मुख्यमंत्री का रांची में युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम में विरोध न हो, इसका कारण गुलाम हुसैन को सेक्टर 12 थाना की पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में नजरबंद रखा। उसे मीडिया से ही बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन गुलाम हुसैन के साथ रहने वाले शफी इमाम ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं से डर गई है, अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रही है और लगातार युवाओं के आंदोलन को देखते हुए आंदोलनकारी को पुलिस हिरासत में रखकर अपना कार्यक्रम सफल करवाना चाहती है। आपको बता दें कि मोहम्मद इमाम शफी भाषा आंदोलन 1932 खतियान को लागू करवाने और बेरोजगारों को नियोजन देने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। हजारीबाग के कदम कासांडी प्रखंड के शाहपुर गांव में झाड़फूक के चक्कर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने बताया कि रात में दो लोग मोटरसाइकिल से घर आए और अपने बच्चों का तबीयत खराब होने की बात कही और महिला से झाड़फूक करवाने की बात कहकर अपने साथ लेकर चले गए। सुबह तक जब महिला नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद पहाड़ के पास महिला का शव बरामद किया। मृतका के बेटे का कहना है कि जब उसकी माँ को ले जाया गया तो घर में नहीं था और उन लड़कों को भी नहीं जानते जिसके साथ माँ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निरसा के चिरकुंडा क्षेत्र के डुमरीजोर स्थित बंद पड़े बीसीसीएल के मुहाने के पास भूदसान हुआ। लगभग 300 फीट का हिस्सा तेज आवाज के साथ धस गया। वहीं इसके पास बड़ी झोपड़ी भी जमीन दोज हो गई। आपको साथ में बता दी कि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही लोगों में भी आक्रोश। आपको बता दी कि बंद पड़ा बीसीसीएल का मुहाना चोरों के लिए सेफ जोन बना हुआ था। बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही लगातार क्षेत्र में धसान देखा जा रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। निरसा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवा बस्ती में रूबी इंटरप्राइजेज नामक कोयला भट्टी पे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 20 मोटरसाइकिल समेत 6 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। साथ ही कोयला का वजन करने वाला कंप्यूटरीकृत मशीन और बोरी में भरा कोयला भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि एक माह पूर्व इस भट्टे में जिला प्रशासन और गोविंदपुर थाना के द्वारा छापेमारी की गई थी, इसके बावजूद भी अवैध कोयले का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बेखौफ होकर अवैध कोयले की चोरी कर रहे हैं। निरसा स्थित एमपीएल बनने के बाद से ही आसपास के लोगों में जहां एक ओर इसके मिलने वाली सुविधाओं की खुशी थी, वहीं ठीक इसके विपरीत लोगों को आए दिन इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां एमपीएल परिसर से सटे हुए लगभग 12 गांव में पीने के पानी की घोर किल्लत है, जिससे परेशान होकर 12 गांव के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी के नेतृत्व में एमपीएल का मुख्य गेट जाम कर बाल्टी और अन्य बर्तन के साथ धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। ग्रामीणों का कहना है कि एमपीएल अपने सीएसआर फंड के तहत आसपास के गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवाए। इतना बड़ा प्लॉट होने के बावजूद आसपास के ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे। हालांकि एमपीएल प्रबंधन ने जल्दी सभी गांवों को पीने का पानी मुहैया कराने की बात कही है।
चंदन क्यारी मंजलडीह गांव में एक घर से दो सांप निकले। दोनों सांप कोकिल बावरी के घर में डेरा डाल के बैठे थे। घर वालों की नजर सांप पे पड़ी तो अफरा तफरी मच गई। वही घर की मालकिन रीवा मानस मानकर पूजा करने लगी। इसके बाद सांपों को पकड़ने के लिए चंदन क्यारी देवग्राम में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम को भी सांपों को पकड़ने में काफी मशक्कत करना पड़ा। आखिरकार दोनों सांपों को काबू में किया गया। दोनों सांप को आपस में लिपटकर खेत देखा गया। रेस्क्यू टीम ने सांपों को जंगल में छोड़ दिया।